जी देखे, आज की जो रैली है वो राशिद हुसैन की फैमिली की तरफ से कॉल की गई थी। बीवाईसी जो है, तमाम जितने भी बलूचिस्तान में रहने वाले लोग हैं, अगर उनके खिलाफ कभी भी कोई जुल्म होता है तो बीवाईसी ने हमेशा यही किरदार अदा किया है कि इनके आवाजों की जो है आवाज बने और उनको जो है इन ताकतवर इदारों तक, इन ताकतवर लोगों तक इनकी आवाज पहुंचाई जाए ताकि इनका मसला हल हो। अगर राशिद हुसैन को दुबई से गिरफ्तार किया गया, वहां से उनको जो है फिर पाकिस्तान के काम के हवाले किया गया और ये नेशनल न्यूज पे भी चला, आपके तमाम टीवी चैनल्स पे भी ये चला कि हमने दहशत गर्द गिरफ्तार किया है। आया अगर वो दहशत गर्द है तो कहाँ पे है, उसको क्यों अदालतों में पेश नहीं किया गया? फैमिली का ये इंसानी और बुनियादी कानूनी हक बनता है पूछने का, ये सवाल उठाता कि राशिद हुसैन कहाँ पे है, क्योंकि जैसे आपने भी कहा उसको मंजरेआम पर लाया गया, उसके बाद अब 6.5 साल गुजर रहे हैं, राशिद हुसैन का बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पे है, किसके साथ है, किस हाल में।